गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, तो माता रानी आप सबको स्वस्थ और मस्त रखें। तो ये मेरा शनिवार का व्लॉग है, हो गई आज 17 फरवरी। तो आज से बच्चों के एग्ज़ाम भी शुरू हो गए हैं फ्रेंड्स। तो मैं 4:30 बजे उठ गई थी आज, और अपना ब्रश वगैरह करके सीधा किचन में आ गई थी। किचन में आने से पहले बेटे को भी उठा दिया था, क्योंकि आज बेटे का एग्ज़ाम है, बेटी सोई हुई थी। तो यहाँ पर किचन में आके मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी, और चाय बनी तब तक मैंने जो रात के साफ किए हुए बर्तन टोकरी में रखे थे ना फ्रेंड्स, वो भी सारे मैंने रैक में लगा दिए थे, और स्लेब को भी मैंने साफ़ कर दिया था। और यहाँ पर चाय बनके भी तैयार हो गई थी, और मेरा पीने का गर्म पानी भी हो गया था। तो मैंने यहाँ मिल्टन की बोतल में भर लिया था पानी को, और चाय डाल के मैं रूम में ही ले जाऊँगी, और क्योंकि रूम में ही आयुष को मैंने पढ़ने के लिए बिठा रखा है फ्रेंड्स। तो यहाँ मैंने मेरे लिए और आयुष के लिए चाय डाल ली थी। और फ्रेंड्स, क्योंकि हल्की हल्की ठंड हो रखी है ना, तो मन की बिस्तर में बैठ के ही आराम से पढ़ाई कर ले, मैं यहीं चाय लेके आती हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले मैं गर्म पानी पीऊँगी, क्योंकि चाय पीने से पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ, मैं डेली का रूटीन है ये। और बच्चों के एग्ज़ाम हो शुरू हो गए, तो फ्रेंड्स हमारे भी एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, और बच्चों से ज़्यादा तो हमें टेंशन होती है, और ये हमारी जिम्मेदारी होती है फ्रेंड्स, हर माँ की जिम्मेदारी होती है कि इनको टाइम पे उठाना, टाइम पे इनको तैयार करना, स्कूल भेजना, टाइम पे ब्रेकफास्ट वगैरह ये सब करके देना। उसके बाद में अगर बच्चे ना पढ़े ना, तो उसमें माँ का कोई दोष नहीं होता है फ्रेंड्स। हम तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं बच्चों को पढ़ाने की भी, और इनके सारे काम टाइम पे करके देने की। तो फ्रेंड्स, इधर में मेरी चाय हो गई थी, तो मैं आयुष को पढ़ने के लिए बिठा रखा था, तो मैंने कहा चलो मैं अब क्या करूँगी, मैं भी अपना थोड़ा काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी 5:15 बज गए थे, 15 मिनट में मेरी चाय पीने में लग गई थी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पूरे घर में लगा दी थी झाड़ू, और बाहर में काफ़ी अंधेरा हो रखा था, तो मैंने कहा चलो झाड़ू लगा लेती हूँ, और फिर उसके बाद में आयुष को मैं नहाने के लिए भेजूँगी। गीज़र भी मैंने ऑन कर दिया था, गर्म पानी हो जाएगा मन की। और 7:30 बजे इनकी बहन आती है, तो तब तक मन की मैं भी अपना कर लूँगी, और आयुष के लिए अब बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग? ऐसा करते हो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं लेता स्वागत करती हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में, और आज ये शनिवार का ब्लॉग है फ्रेंड्स, और 17 तारीख है आज। आज से आयुष के पेपर शुरू हो गए हैं फ्रेंड्स, अनुषा के 14 तारीख से हो गए थे, और आज से आयुष के हो गए हैं। आज अनुषा की छुट्टी है और आयुष जा रहा है स्कूल। तो वह नहा धो के रेडी हो गया है फ्रेंड्स, उठ गई थी मैं 4:30 बजे, इसको भी उठा दिया था मैंने 5 बजे। तो अभी मैं 4:30 बजे उठने के बाद में चाय वगैरह मेरी सब हो गई है, घर की क्लीनिंग वगैरह सब कर ली है मैंने, हो गया मेरा काम फिनिश, और टाइम हो गया है फ्रेंड्स 6:30 बज गए हैं। अब मैं बनाऊँगी बच्चों का ब्रेकफास्ट, और इधर में देखे आयुष भी रेडी हो गया है, अनुषा पढ़ाई कर रही है, और ये देखो अनुषा भी उठ गई है, तो ये अभी पढ़ाई करने में लगी हुई। आयुष पूरी तरह से रेडी हो गया है, अब मैं बना लेती हूँ उनका ब्रेकफास्ट। पूजा भी कर ली आयुष ने, तो चलिए फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट में बनाते हैं इनका कुछ टेस्टी टेस्टी सा। तो मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो कैसा लगता है कॉमेंट में जरूर बता देना, और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और अभी दिखाती हूँ आप लोगों को सबसे पहले मैं बाहर का व्यू, और अभी हल्का हल्का उजाला हो गया है, तो देखिए फ्रेंड्स दिखाती हूँ बाहर का व्यू भी। और देखिए फ्रेंड्स, सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाट सुन रही है अभी, काफ़ी अच्छा लगेगा, और ठंड काफ़ी हद तक कम हो गई है, तो सुबह सुबह काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम। और ये देखिए, तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं बनाऊँगी बच्चों का ब्रेकफास्ट, क्योंकि लेट ना हो जाए, वैन आ जाएगी इनकी। और अब चलते हैं अंदर, इधर में आयुष पढ़ाई कर रहा है, और मैं बनाऊंगी इनका ब्रेकफास्ट। तो आज ब्रेकफास्ट में बनेगा इनका पनीर से बनाने वाली हूँ, जो भी बनाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। दूध भी मैंने इधर में गर्म कर दिया है बच्चों का, और रात को मैंने पनीर की सब्जी बनाई थी ना फ्रेंड्स, तो थोड़ा पनीर मैंने रख लिया था, बल्कि ब्रेकफास्ट में कुछ बना दूंगी बच्चों के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से बना लेती हूँ मैं। चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं कुछ अलग और टेस्टी नाश्ता बच्चों के लिए, तो बच्चे भी खा के खुश हो जाएंगे। तो इधर में मैंने सबसे पहले एक प्याज और 2 हरी मिर्ची और धनिया को बारीक बारीक काट के ले लिया है, पनीर को भी मैंने कद्दूकस कर लिया है फ्रेंड्स, और डाल दिया है इसमें थोड़ा सा मैंने नमक, और लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया है, काली मिर्ची का पाउडर लूँगी, और चाट मसाला, और ज़्यादा मसाले का यूज़ नहीं करूँगी, बस मैं इतना ही मसाला यूज़ करूँगी। तो इन सबको अच्छे से मैंने मिला दिया है फ्रेंड्स, और इधर में मैंने ले लिया है गेहूँ का आटा, तो इसमें मैंने
नमक डाल दिया है और एक चम्मच मैंने घी डाला है, देसी घी। तो इसमें थोड़ा सा मोयन डाल के मैंने आटा गूंथ के तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। और इधर बनाएंगे हम देसी घी में बनाएंगे आज ये ब्रेकफास्ट। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता बन के तैयार होगा हमारा। तो मैंने इसमें थोड़ा सा लोई ले ली है आटे की, तो मैंने इसकी पतली रोटी बेल ली है, ज़्यादा पतली भी नहीं की है मैंने। तो इधर में एक साइड से तभी सीख गया तो मैंने इसको पलट दिया था और इस पर मैंने घी लगाया। और रोटी के आधे साइड में ही हमें पनीर की जो स्टफिंग है ये भर देंगे, और इस तरह से जितना आएगा, और एक साइड से हम इसको इस तरह से पलट देंगे फ्रेंड्स। और दोनों तरफ से अच्छे से देसी घी लगाकर क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई करके, और एक टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता बन के तैयार होगा हमारा। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है, और मैंने ये सेकेंड बार बनाया है तो काफ़ी अच्छा पसंद आया बच्चों को भी, और बच्चों ने खूब चाव से इसको खाया फ्रेंड्स। एक बार आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट में कैसा बना है। तो फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट करके आयुष भी चला गया था, उसके जाने के बाद में मैं भी नहाने चली गई थी। नहाना धोना मेरा हो गया है और आज काफ़ी जल्दी मेरा सारा काम फिनिश हो गया है फ्रेंड्स। नहा धो के हो गई थी मैं यहाँ पे रेडी, और यही होते हैं फ्रेंड्स जल्दी उठने के फ़ायदे। तो जल्दी उठो तो सारे काम भी जल्दी हो जाते हैं, और नहाने से पहले मैं कोई ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल मन नहीं करता है मेरा कुछ भी खाने का। तो यहाँ पे नहा धो के हो गई हूँ रेडी, तो सबसे पहले मैं पूजा करूँगी, उसके बाद में ही ब्रेकफास्ट बनाऊँगी मैं अपने लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूजा करने से पहले मैंने लल्ला को नहला दिया है, कान्हा को। तो नहला धुला के मैंने यहाँ ड्रेस पहना दी थी सुंदर सी, और यहाँ मंदिर में विराजमान कर दिया है, और मंदिर में लगा दिया मैंने दीपक भी, और पूजा मेरी हो गई है फ्रेंड्स। चलिए बनाते हैं ब्रेकफास्ट। फ्रेंड्स मेरा नहाना धोना भी हो गया है और पूजा वगैरह भी हो गई है, टाइम हो गया है फ्रेंड्स 8:30 बज गए हैं, और आज मेरा बहुत जल्दी काम फिनिश हो गया है। और इधर में देखिए अनुषा नहाई नहीं अभी तक, और अभी ये नहाने जा रही है, और ये नहा के आएगी, तब तक मैं इसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अभी ये जा रही है बाथरूम में और मैं आ गई हूँ किचन में, तो फटाफट से ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं। ब्रेकफास्ट रेडी है, तो आ जाइए फ्रेंड्स आप भी यम्मी यम्मी ब्रेकफास्ट करने के लिए, और काफी टेस्टी लग रहा है फ्रेंड्स। इसमें भर दिया है मैंने पनीर, तो बच्चों का फेवरेट है फ्रेंड्स, मैंने एक बार और बनाया था ये, तो बच्चों को काफी पसंद आया था। तो मैंने रात को पनीर बना, तो उसमें पनीर मैंने बचा लिया था। अनुषा नहा के भी आ गई है है ना, ब्रेकफास्ट का सुनते ही कि मतलब तैयार हो गया है, तो फटाफट से आ गई है, और हमारी चाय भी रेडी है, तो आ जाइए फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट करने के लिए। इधर में देखिए अनुषा खाने लगी है, और कैसा बना है अनुषा? यम्मी यम्मी गोलमा टम्मी। तो बच्चों को तो फ्रेंड्स ऐसा ही चाहिए चटपटा कुछ खाने के लिए, तो इनको तो यम्मी लगेगा ना, है ना। पर फ्रेंड्स बनता भी बहुत यम्मी है ये, मैंने सेकंड टाइम बनाया है ये, बनाया था मैंने काफी टाइम पहले, तभी बहुत अच्छा बना था। आप लोग भी बना के दीजिए अपने बच्चों को, काफी पसंद करेंगे बच्चे इसको, और आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। और इधर में मैंने दोबारा से चाय भी बना ली है फ्रेंड्स, क्योंकि आज मेरा जल्दी काम फिनिश हो गया था, तो मन को चलो ब्रेकफास्ट भी कर ही लेते हैं। और बहुत ही टेस्टी बनाया फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट, तो हम सब पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमारा चाय नाश्ता हो गया है, और इधर में बर्तन भी मैंने क्लीन कर दिए हैं फ्रेंड्स, और किचन को भी मैंने सारा क्लीन कर दिया है अब के लिए तो। और इधर में लंच के लिए मैंने भिंडी धो के रख दी है फ्रेंड्स, तो लंच बनाऊंगी तब तक ये सूख जाएंगी। और क्योंकि फ्रेंड्स रात को मैंने मटर पनीर बनाया था, तो काफी टेस्टी बना था पनीर, तो खत्म हो गई है सब्जी, थोड़ी सी बची हुई है, तो अभी मुझे सब्जी बनानी है, तो मैंने भिंडी धो के रख दी है। और इधर में फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ छत पे, क्योंकि फ्रेंड्स अभी धूप इतनी अच्छी आ रही है, तो बिस्तर को धूप लगाऊंगी। तो देखिये मैंने रजाइयां बाहर निकाल के रख दी है, तो मैं ये सारी छत पे धूप में डाल के आऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं छत पे। तो गाइस देखो मम्मी जा रही है ऊपर चादरों को डालने के लिए, मम्मी एक एक करके डाल के आ रही है अभी ऊपर। तो फ्रेंड्स मम्मी वापस नीचे आई है, और अब दो लेके जा रही है, चक्कर लगा दिए, काफी सांस फूल गई है मेरी, और अभी तीसरा चक्कर है ये, मैं जा रही हूँ छत पे, मैं भी चल रही हूँ अब। तो
मम्मी चले जा रही है गाइस, मेरे को मम्मी छोड़ के जा रही है। देखो अभी हम आ चुके हैं, बस लास्ट फ्लोर है। तो फाइनली गाइस आ चुके हैं छत पर और बहुत अच्छी धूप निकल रही है यहाँ पे। तो गाइस देखो यहाँ पे मम्मी सुखा रही है इनको और ऑलमोस्ट तो हो ही चुके हैं। रजाई और ब्लैंकेट को मैंने धूप में डाल दिया है और अब चलते हैं नीचे, सारे दिन की धूप लग जाएगी तो ठीक रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि बिस्तर को भी धूप लगाना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो मैंने डाल दिए धूप में, अनुषा चली गई नीचे, मैं भी चलती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स आ गए नीचे और फ्रेंड्स छत भी ज़्यादा ही ऊपर रह गई है और जल्दी से चढ़ के जाओ तो सांस भर आती है फ्रेंड्स, पर मैंने 3 चक्कर लगाए तब जाके मैं यानी कि रजाइया धूप में डाल पाई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अभी बाकी रजाइया कल डालूंगी मैं धूप में, रोज यानी कि धूप लगा दूंगी एक एक दिन करके सभी रजाई और ब्लैंकेट को। तो चलिए फ्रेंड्स पानी पीऊंगी थोड़ा सा, अनुषा पानी पिलाना बेटा, सांस फूल गई है। चलते हैं अब किचन में और करते हैं लंच बनाने की तैयारी। तो फ्रेंड्स इधर में मैंने भिंडी काट ली है, तो ये देखिए भिंडी काट ली, हरी मिर्ची काट ली है और सब्जी में मैं भिंडी बनाऊंगी फ्रेंड्स, तो बिना लहसुन प्याज की बनाऊंगी भिंडी। और इधर में पीछे में काम चल रहा है फ्रेंड्स थोड़ा सा, तो काफ़ी शोर हो रहा है तो उसको इग्नोर करिएगा फ्रेंड्स। और इधर में मैंने गैस पर रख दी है फ्रेंड्स कढ़ाई, तो आज मैं 1 पाव भिंडी है ये, तो इसी छोटी सी कढ़ाई में मैं बना लेती हूँ और सब्जी बना के फिर मुझे रोटियाँ बनानी है, तो बना लेती हूँ फ्रेंड्स फटाफट से। किचन की क्लीनिंग कर रही है और यहाँ पे अभी बच चुके हैं 1 और यहाँ पे भैया भी आ चुका है, देखो हेलो बोलो हेलो। तो फ्रेंड्स किचन क्लीनिंग हो गई है और खाना पीना हमारा हो गया है, तो अभी मैं आयुष को खाना डाल के दूंगी। अभी आयुष भी आ गया है स्कूल से, फिर उसका पेपर वगैरह देखती हूँ मैं, तो चलिए फ्रेंड्स उसको खाना डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए खाना डाल दिया है इसको और अभी ये खाना खा रहा है। फ्रेंड्स बच्चे मेरे सो गए हैं खाना खा पी के और मस्त दोनों सोए हुए हैं देखिए, और इनको देखो गर्मी लग रही है, ब्लैंकेट बिल्कुल नहीं ओढ़ रखा इन लोगों ने, क्योंकि फ्रेंड्स गर्मी हो गई है यानी कि मौसम काफ़ी चेंज हो गया है और यहाँ पे तो ठंड ना के बराबर है, हमारे यहाँ पे ठंड काफ़ी कम हो गई है, तो ये मैं खुद भी स्वेटर नहीं पहनती हूँ फ्रेंड्स, मुझे खुद को भी गर्मी लगती है। और अभी मैंने चाय भी बना ली है फ्रेंड्स, अब मेरा चाय का टाइम हो गया 4 बज गए हैं, तो मैं चाय बना ली हूँ क्योंकि फ्रेंड्स मैं दिन में सोती नहीं हूँ, मेरे को वीडियो एडिटिंग करना होता है और अभी मैंने वीडियो अपलोड भी कर दिया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखा कीजिए, आप फुल वॉच किया कीजिए और किस तरह से हम मेहनत करते हैं एक वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं यानी कि ड्रेसिंग में मिरर में देख सकते हैं कि इस तरह से मैं व्लॉगिंग करती हूँ फ्रेंड्स। मैं ट्राईपॉड का यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे पास में ट्राईपॉड है पर मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, मुझे इस तरह से आसान लगता है वीडियो बनाना, तो इसी तरह से मैं वीडियो बनाती हूँ देखिए फ्रेंड्स। और चलते हैं, हमारी चाय बनके तैयार हो गई है और इधर में देखिए फ्रेंड्स बिस्तर भी मैं छत से ले आई हूँ और आज मैंने 2 रजाई है और 1 ये बिछाने के लिए गद्दा है, तो मैंने इस तीनों को मैंने धूप लगा दी अच्छी, तो अब इनको मैं रख दूंगी। और इधर में चाय भी मेरी रेडी है, आ जाइए मेरी यूट्यूब फैमिली इवनिंग चाय पीने के लिए। और इधर में फ्रेंड्स देखिए बच्चों के लिए रस लाए हुए रखे थे, तो ये भी मैं डिब्बे में डाल के रखूंगी, तो यहाँ पे मैंने डिब्बा खोल के रखा है तो इसमें डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए सारे रस मैंने डिब्बे में भर दिए हैं और ढक्कन लगा के रख दूंगी और अब मैं पी लूंगी चाय, तो आ जाइए फ्रेंड्स चाय पी लेते हैं। और इसी इवनिंग चाय के साथ में हम व्लॉग का एंड करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी लंबा हमारा व्लॉग हो गया है, सुबह 5 बजे से लेके मैं 4 बजे तक फ्रेंड्स कंटिन्यू काम में लगी हुई हूँ और किस तरह से मैंने अपने सारे काम को 5 बजे उठने के बाद में किस तरह से मैनेज किया है वो मैंने आप सबके साथ में आपके साथ में शेयर किया है फ्रेंड्स।
और प्लीज़ मेरा आज सारे दिन का रूटीन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से मैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, ध्यान रखिएगा आप सभी फ्रेंड्स।